नमस्कारम। एक प्रश्न है, किसी एक साधक ने प्रश्न किया है कि न्यू हैबिट्स को हम कैसे बनाएं ताकि उन हैबिट्स को हम यूज़ कर पाए अपने स्पिरिचुअल प्रगति के लिए। देखिए, ये इसलिए किसी ने पूछा है कि आपकी जो वर्तमान की हैबिट्स है, और वो ऐसी हैबिट्स है कि आपको ज़िंदगी में आगे ना बढ़ने देने वाली हैबिट है, तो डेफिनेटली आपको नई हैबिट्स तो बनानी ही पड़ेगी, जो कि आपकी स्पिरिचुअल साधना यानी कि आध्यात्मिक साधना में, प्रैक्टिस में आगे बढ़ाएगी। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, क्योंकि जो मेरी बातें होती है वो बहुत ज़्यादा किताबी बातें होती नहीं है। ये अब मैं क्या कहूँ, आप जो भी कुछ समझ सकते हो। देखिए, चेंज मेक्स चेंज, यानी कि बदलाव ही बदलाव लाता है। अगर आज आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, यानी कि आप अपने वर्तमान के हैबिट्स को यानी कि आदतें को बदलने के लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आपके जीवन में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आप आज दारू पीते हैं और दारू पीने की आपके अंदर वृत्ति है और आदत बन गई है, तो इन आदतों को आप अगर नहीं बदलते हैं तो कल भी आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है और ज़्यादा ही दारू पिएंगे आप। अगर आप कुछ प्रगति चाहते हैं अपने जीवन में, चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, चाहे वो सामाजिक के क्षेत्र में हो या आपके आध्यात्मिक क्षेत्र हो या आपके आर्थिक क्षेत्र हो या कोई व्यक्तिगत आपके क्षेत्र हो, कोई भी पहलू में आप अगर विथ फुल प्लेजर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपने वर्तमान की आदतों को बदलना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं एक दिन आत्म अनुभूति भी करूं, मैं एक दिन सत्य को जानूं और जीवन को बेहतरीन तरीके से पूर्ण आनंद भरे एक एक क्षण को बिताऊं, तो आपको वर्तमान की आदतें बदलनी पड़ेगी और नई आदतें वहां पर लानी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर ओल्ड हैबिट्स एंड यू हैव टू फॉर्म द न्यू हैबिट्स। अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे है, जैसे ही अपने पुरानी कोई भी हैबिट को बदलेंगे तो अपने आप वहाँ पर एक नई आदत रिप्लेस हो जाएगी। यानी जैसे ही आप दारू पीना छोड़ेंगे तो कुछ और एक आदत वहाँ पे अपने आप रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। प्रकृति का नियम ही है कि कोई भी एक चीज़ अगर वहाँ खाली हो जाए तो कोई और दूसरी चीज़ों से वो भर जाएगा वहाँ पर। दैट्स व्हाट द नेचर वर्क्स। इसी प्रकार से प्रकृति काम करती है। और ये भी है कि अपने अंदर की कमियों को दूर करने से प्रकृति उन कमियों को हटाने में पूर्ण रूप से सहायता तो करती ही करती है, और साथ ही साथ कमियों के दूर होने से जिस चीज़ की अभाव है उस अभाव को प्रकृति अपने आप पूरा कर देती है। मतलब कमियों के दूर होने से प्रकृति का स्वभाव है कि वह अभाव को अपने आप भर देगी, पूरा कर देगी। ये प्रकृति का नियम है। देखिए, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ें आपके जीवन में जो घट रही है ना, ये प्रकृति की ही कैलकुलेशंस है, ये प्रकृति की ही मैनेजमेंट है। इसी प्रकृति को कुछ लोग ईश्वर भगवान कहते हैं और ये इसी की है। तो समझिए, हम आदत की बातें कर रहे हैं, तो अब आदत को कैसे बदलेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्व तो मैंने बताई कि ये क्यों ज़रूरी है। अच्छी आदतें बनाएंगे तो ये अच्छी आदतें आपको ऊपर लेके जाएगी, चाहे वो जिस प्रकार के भी आदतें हो। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए नई आदतें बनाते हैं, ध्यान करने के लिए, योगा करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, तो ये धीरे 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 आपके निचले वाले कॉन्शियसनेस की जो स्तर है, द स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस, इसे हायर स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस तक लेके यही आदतें जाएगी। अंत में ये सारे आदतें भी विलुप्त हो जाती है,
ख़त्म हो जाती है जब प्योर हायर स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस तक पहुंचते हैं तो। बट ये आदतें को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आपको कोई व्हीकल्स या कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए, उसी प्रकार से ये आदतें आपके लिए एक व्हीकल्स की तरह साबित हो सकती है आपको लेके जाने के लिए वहाँ तक। अब जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक आप जाते हैं तो व्हीकल्स को आप सर पे तो ढोते नहीं है, अगर आगे आपको जर्नी करना है तो व्हीकल को हम एक पॉइंट पे छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से हम इन आदतों को एक जगह पे जाकर सब छोड़ देते हैं, फुल अवेयर हो जाते हैं। द फुल अवेयरनेस विथ प्रोफाउंड इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम व्हिच टेक्स यू टू द हायर स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो ये आदतें बाद में छूट जाती है। प्रश्न ये है कि हम न्यू हैबिट्स कैसे बनाएं? तो देखिए, नई हैबिट्स बनाने के लिए एक मुझे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा लाइन मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। मैं ये किसी स्पीकर से सुना था। आई नो व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इज येट टू नो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई नो व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू इज येट टू नो। इसका मतलब है आई नो व्हाट टू डू, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, एंड नॉट टू डू इज येट टू नो, और मैं नहीं करता हूँ इसका मतलब है कि अभी भी आपको पता नहीं है। मतलब जो लोग भी कहते हैं कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन आप पूछे अगर आप उनसे पूछते हैं क्या आप ये करते हैं तो वो कहेंगे नहीं करता हूँ, इसका मतलब है कि उन्हें ये पता नहीं है। जैसे कि आपको ये पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज सुबह उठकर 15 से 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा आपको योगा या जिम या कसरत करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आप लोगों से पूछेंगे, मैंने ऐसे कई ट्रेनिंग ली हुई है, मैं लोगों से जब पूछता था 50-60 लोगों के बीच में, सब लोग कहते थे कि हाँ हमें पता है इसकी इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। लेकिन जब ये बातें मैं पूछता था क्या आप करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कहते थे कि नहीं, मतलब 95% के लोगों के हाथ नहीं ऊपर उठते थे क्योंकि वो नहीं करते हैं। तो मैं कहता था कि आपको पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या है, फिर भी आप नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि अभी आपको पता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, नए हैबिट्स दिमाग में कब फॉर्म होंगे? जब आपको दिमाग को कोई भी एक नई हैबिट्स की फ़ायदा, ज़बरदस्त फ़ायदा उसको पता चलेगा, तब भी वो दिमाग यानी आपके ब्रेन के उन हिस्सों में से कुछ डोपामिन रिलीज होगी, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि आपके अंदर में एक स्फूर्ति आएगी, मोटिवेशन आएगी, इंस्पिरेशन आएगी कि एक नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए। अब वो कहाँ से आएगी? जब ब्रेन को नई हैबिट फॉर्म करने का फ़ायदा क्लियर कट पता होगा, क्लैरिटी, ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए, क्लियर कट पता होगा, तब भी आपके अंदर में वो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन पैदा करेगा नई हैबिट्स को एडॉप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। साथ ही साथ कहना ये चाहता हूँ कि लर्न टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी कि उन चीज़ों को करने का आदत डाल दीजिए जो चीज़ आपको जीवन में ज़रूरत है, चाहे वो चीज़ें आपको पसंद है या नहीं है, बट आपको तो आदत डालना ही पड़ेगा। लेकिन उन आदतों को हम कैसे फॉर्म करेंगे, मैं उसकी विज्ञान के बारे में बातें कर रहा हूँ आपसे, तो बड़ी गहराई से सुनने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, तो पहली बात है कि ब्रेन को नई हैबिट्स को फ़ायदा को बताना है, क्योंकि साइकोलॉजी के लिए ब्रेन जो है कभी भी एक्शन नहीं लेता है कोई भी काम के प्रति जब तक उसको अपना कोई फ़ायदा नहीं दिखता है। ब्रेन डजंट टेक एनी एक्शन टुवर्ड्स एनीथिंग अनलेस इट नोज इट्स ऑन बेनिफिट। यानी कि आप एक व्यक्ति का नाम भी पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, या उनके बारे में दो चार चीज़ें पूछते हैं, इसके पीछे भी एक कारण छुपा हुआ रहता है। वो पूछने वाला का ब्रेन में कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखता है, उसको जानना चाहता है कि आदमी कहाँ से है, कैसा है, कहाँ जा रहा है, कुछ ना कुछ उसको एक हिडन सीक्रेट यानी हिडन बेनिफिट्स भी उसके दिमाग में पूछने वाला का रहता है, तभी वो ब्रेन पूछता है। नहीं तो भला किसी का नाम क्यों पूछेगा, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जाएंगे, क्यों पूछेगा। तो हम जब भी कभी किसी से बात करते हैं, कुछ भी करते हैं,
इसके पीछे ब्रेन के अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट रहता है, इसीलिए वह ब्रेन वह एक्शन लेता है। और दूसरी बात एक ध्यान से समझिएगा कि ब्रेन जो है टीचेबल है, टीचेबल है मतलब ब्रेन को कुछ भी सिखाया जा सकता है। और दूसरी तरफ ब्रेन इज लर्नेबल, मतलब ब्रेन ये कुछ भी सीख भी सकता है, ब्रेन को सिखाया भी जा सकता है और ब्रेन कुछ भी सीख भी सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं और ब्रेन रिसर्चर्स कहते हैं कि एनी वन हु कैन डू एनी थिंग और एनी वन्स ब्रेन इज डूइंग एनी थिंग देन एनी वन्स ब्रेन कैन लर्न टू डू द सेम थिंग। यानी कि किसी की भी ब्रेन किसी एक काम को कर रहा है, उस काम को करने के लिए किसी और व्यक्ति का भी ब्रेन सीख सकता है एग्जैक्टली वैसे ही करने के लिए, ऐसा ब्रेन रिसर्चर्स का भी कहना है। तो पहली बात है कि अपने ब्रेन को एक मतलब ढेर सारी अद्भुत उसको फ़ायदा दिखनी चाहिए नए हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए, तभी आप के दिमाग उन केमिकल्स को, उन रिसोर्सेस को, उन टूल्स को, उन शक्तियों को डेवलप करेगा अपने अंदर ही एक नई हैबिट्स को डेवलप करने के लिए। अब नई हैबिट डेवलप करने का एक बहुत आसान तरीका है और ये भी साइंटिफिक ही है, कोई भी एक्शन को आप विदाउट स्किपिंग अ सिंगल डे इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म कंटिन्यूअसली फॉर 21 डेज दैट एक्शन बिकम्स योर हैबिट। कोई भी कार्य को कंटिन्यूअसली 21 दिन तक बिना एक दिन भी मिस किए हुए अगर करते हैं तो ये आपके ब्रेन में एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाएगा, अब आगे विदाउट एफर्ट्स वो काम अपने आप होने लग जाएगी, उसकी पुनरावृत्ति अपने आप होगी, वो काम हैबिट में आ जाएगा आपका, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में एक ऑटो मोड में चला जाएगा, जो ऑटो पायलट जो कहते हैं ना, ऑटो पायलट मतलब अपने आप वो चीज़ें अब होने लग जाएगी, क्योंकि अवचेतन मन में हमारी सारी हैबिट्स स्टोर रहती है। और ख़ास बात है कि आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रही है उनके पीछे आपके 90% आपके हैबिट्स के ही कारनामा रहता है जी, 90% 10% आप ये कंसियस होकर आप सोचते हैं विचारते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि मनोविज्ञानी कहते हैं व्हाट एवर यू हैव टुडे द बाइक यू हैव द कार यू हैव द हाउस यू हैव द जॉब यू हैव द पर्सनैलिटी यू हैव द मनी यू हैव द सक्सेस यू हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम यू हैव द फैमिली मेम्बर्स यू हैव द वाइफ यू हैव द हस्बैंड यू हैव एनीथिंग एनीबॉडी यू हैव इन योर लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कहते हैं कि आपके अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग का ही एक परिणाम है आपके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है, घटित हो चुका है और जो कुछ भी आपके जीवन में है। यानी ये सबकॉन्शियस माइंड ये प्रकृति की एक अति गहनतम आप एक स्तर समझ सकते हैं, लेकिन ये एक मनुष्य के अपने ही स्तर पे होता है और वहीं से ये रिमिट करता है, रेगुलेट करता है, जिसे हम रेगुलेटर से फैन को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से हमारी हैबिट्स जो है और हैबिट्स आर द रेगुलेटर्स टू रेगुलेट आवर लाइफ, इस तरीके से हमारे जीवन को भी नियंत्रित करता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो हैबिट नई हैबिट को पाने के लिए पहला फॉर्म करने के लिए कोई भी एक्शन को आप 21 दिन तक कंटिन्यूअसली उस काम को करें विदाउट गिविंग अ सिंगल स्किप, यानी कि एक दिन भी मिस ना किए हुए वो आपकी हैबिट बन जाएगा और अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों को 21 दिन तक चैलेंज होता है। तो आप कोई ट्रेनर, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप या कहीं कोई क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए ताकि रेगुलरली आप 21 दिन या 30 दिन या 45 या 3 महीना तक कंटिन्यूअसली विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे आप सफलतापूर्वक पूरा कर पाए, तब देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी एक नई हैबिट आपके अंदर में आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यू हैबिट्स आर हार्ड टू कम बाय बट ओल्ड हैबिट्स आर हार्ड टू गो बाय। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यू हैबिट जो है उसको फॉर्म करने के लिए, नई आदतों को लाने के लिए
ये बहुत कठिन पड़ती है, मालूम पड़ती है, या कठिन साबित होती है, या कठिन होती है। लेकिन साथ ही साथ आपकी पुरानी जो हैबिट्स है इसे भी दूर करने में बहुत कठिन साबित होती है, यानी कि एक दूसरे की ये पूरक है, यानी पुराने हैबिट्स को दूर करना यानी कि नए हैबिट्स को फॉर्म करना भी। तो अगर मैं कहूं कि अपने पुराने हैबिट्स को ख़त्म करो यानी कि नए हैबिट्स को बना रहे हैं, तो कोई ग्रुप क्लास ज्वाइन कर ले, वहाँ पर जाए तो आपको सहायता मिल सकता है, ग्रुप में एक मोटिवेशन एनर्जी मिलेगी। योगा मेडिटेशन का करते हैं तो कंटिन्यूसली ज्वाइन करें। तीसरी, आप एक संकल्प ले, खुद से खुद एक संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे, एट एनी कॉस्ट, मैं 21 दिन या 30 दिन तक कंटिन्यूसली इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला हूँ, जैसे भी हो मैं करूँगा ही करूँगा। आप करें, जैसे ही करेंगे आप तो धीरे धीरे वो आपकी आदत में बन जाएगी, उसके बाद इफर्टलेसली ये काम अपने आप होती चली जाएगी। पहले मैं माइंड पावर स्टडी ट्रेनर था, मैं लोगों को ट्रेन किया करता था अपने इंस्टीट्यूशन में भी, तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसंट्रेशन के बारे में बताता था और उनको कंसंट्रेशन सर्कल चार्ट भी दिया करता था। तो मैं ये कंसंट्रेशन के सर्कल चार्ट देने के पहले मैं बहुत सारे उनको समझाता था कि देखिए आपको मैं दूंगा और मेरे बातों से आप प्रेरित होकर 3 से 4 या 5 दिन ही करेंगे, अगेन यू विल कम बैक टू योर नॉर्मल रूटीन, पहले वाले जो रूटीन है उसी में आ जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे कॉन्शियस माइंड से तो अभी समझ लिया लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड अभी भी नहीं समझा है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का समझने का तरीका है पुनरावृत्ति। कोई भी काम को हम रिपीटेडली करेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। ऐसे और कई भी तरीके हैं लेकिन उनमें से एक ये तरीका है रिपीटेशन। इसीलिए ये कहा गया है कि रिपीटेशन इज़ द मदर ऑफ एनी स्किल। कोई भी काम को आप बार 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 दोहराएंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, तो ये आपके लिए एक मदर स्किल साबित होता है। और आप जाए कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस में, आप देखें सब में कहा जाता है, कोई जप भी दिया जाए, मंत्र भी दिया जाए या ध्यान के भी, एक ही चीज़ को कहा जाता है कि तुम बार 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 दोहराओ, उसी काम को करो, क्योंकि वो करते 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 पहले अवचेतन मन में, मान लीजिए कि आपके ब्रेन में, राइट ब्रेन में एक लीक बन जाता है। जैसे वो लीक बन जाता है, या कोई एक तार का पतली तार आप समझ लीजिए, उस तार में और एक ज्वाइन किया तार, एक और तार ज्वाइन किया, और एक तार ज्वाइन किया, बाद में धीरे एक तार का गुच्छा बन गया। इस तरीके से आपकी हैबिट इतनी तगड़ा हो जाती है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से ध्यान करना या तप जप या मंत्र, जो भी आपको विधि दी गई है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, उसको करते 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 आपको एक हैबिट बन जाती है कि उस रूटीन में आप आ जाते हैं और आप करते रहते हैं करते रहते हैं, और वो हैबिट आपको धीरे 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 आपको स्वतः तक ले जाती है, और वो हैबिट भी एक दिन छूट जाती है। क्योंकि गुरु जो होता है उसके बाद देखता है कि ये काफ़ी ऊपर आने लग गया है, तो वो ऐसा कुछ करता है या बताता है या फिर समझाता है, वो हैबिट भी उसके गल जाते हैं, छूट जाते हैं, यानी वो सारे तार या जो लीक है वो सारे मिट जाते हैं फिर बाद में। तो आप संकल्प ले सकते हैं कि मुझे ये करना ही करना है। और इसी प्रकार से मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले समझाया करता था कि तुम 3 से 4 दिन तक करोगे, बाद में नहीं करोगे, क्योंकि नहीं करने की आदत है। अब तुम्हें नई एक आदत बनानी पड़ेगी, और वह आदत है करने की। नहीं करने की आदत है, अब करने की आदत बनानी पड़ेगी। तो ये सोच लो, तुम्हारे सामने है अब नहीं करने की आदत और करने की आदत, दोनों में से तुम्हें चूज करना है। करने की आदत तुम्हें जीवन में ऊपर लेके जाएगी, नहीं करने की आदत तुम जहाँ हो वहीं रख देगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप जीवन में अब तुम्हें पीछे ही लेके जाएगी। तो इस तरीके से मैं कई चीज़ें बताया करता था। और नई आदत को डेवलप करने के लिए कई थेरापी होती है, जैसे कि न्यूरोथेरापी, साइकोथेरापी, हिप्नोथेरापी, कुछ थेरापी के द्वारा भी की जाती है। तो ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरल पथ्स होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे बिहेवियर का, तो हमारे जो बिहेवियर का स्ट्रक्चर में, जैसे मैं कहूँ कि ईच बिहेवियर हैज़ अ स्ट्रक्चर, इफ़ यू चेंज द स्ट्रक्चर
then a new structure will be developed into the brain to have a new behavior. So each behavior has a structure. So if you want to have a new behavior, you need to have a new structure now. तो ध्यान में रखिएगा कि each experience you go through is encoded into your brain और ये आपकी behavior बन जाती है. तो जो structure है उस structure को जैसे ही आप तोड़ते हैं, decode करते हैं, तो एक नई structure बनेगी, तो फिर नई experience आपके जीवन में होगी. तो इस तरीके से कभी कभी कुछ काउंसलर्स है, उनकी थेरापी या उनके अंतर्गत ये काम की जाती है, जो कि मैंने पहले ऐसे कर चुका हूँ. लेकिन इन राह पे आपको ही चलना है, आपको ही अपने अंतरात्मा से संकल्प लेना है कि मुझे करना ही करना है. और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मुझे सुनते रहे, देखते रहे, प्रश्न रखे, मैं आपको एक एक चीज़ों को साइकोलॉजिकली भी, स्पिरिचुअली भी, सोशली भी, हर चीज़ें आपके सामने रखूँगा. उस पर खड़े उतरने के लिए आप बस हिम्मत करो, एक कदम उठाओ, हजार कदम तक पहुँचने के लिए मैं आपके साथ हूँ. आप आगे बढ़ोगे, पक्का है आप आगे बढ़ोगे. बस आप हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड रहो, स्पिरिचुअल कंटेंट का आप सेवन करते रहो. स्पिरिचुअल कंटेंट इतनी पावरफुल होती है कि ये आपके चित्त को शुद्ध करती है और एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक स्पिरिचुअल लिंक, स्पिरिचुअल न्यूरल पथ क्रिएट करती है आपको अपने स्व तक लेके जाने के लिए. और एक दिन जाकर उस परम पुरुष परमात्मा को आप जानते हैं, उसको जान लेते हैं और परम शांत परम आनंदी को प्राप्त करते हैं, जो कि निराकार स्वरूप है, सर्व व्यापक स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है. धन्यवाद.